हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज एक ऐसा टूल के बारे में बोलेंगे एक ऐसा टूल के बारे में बोलेंगे जो आपको 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड सक्सेसफुल करके देगा। ये बहुत ही कमाल का ये जो टूल है ये बहुत ही कमाल का है और ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही काम करता है। ये इंडिकेटर अब बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर है, बहुत ही सक्सेसफुल इंडिकेटर है और मैं तो बोलूंगा इस इंडिकेटर के ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा है या इस इंडिकेटर के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है उसको ट्रेडिंग मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट में रह के फोकट में पैसा गंवाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एक हाई एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर है जो आप पूरे डिटेल्स आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा इसी टूल के ऊपर आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैं एक ही बात अभी बोलूंगा आप लोगों को, एक आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड, अब 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड सक्सेसफुल आपका रहेगा ही रहेगा, रहने वाला ही है। ऐसा है, ये इंडिकेटर है। चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो, चाहे कमोडिटी, चाहे फॉरेक्स मार्केट में, चाहे आप बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर क्यों ना ट्रेड करो, लेकिन आपका 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड पूरी तरह सक्सेसफुल रहने वाला है। तो ये कैसे पॉसिबल है उसके बारे में हम लोग ये इंडिकेटर के ऊपर पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे। ये टूल के अंदर है क्या चीज और कैसे सिग्नल प्रोवाइड करता है और कहां पर ट्रेड लेना है, कहां पर ट्रेड नहीं लेना है और कौन सा इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हम लोग कैसे इसके ऊपर ट्रेड कर सकते, पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग ये टूल के ऊपर समझेंगे। तो समझ रहे हो ये टूल के एक्यूरेसी के बारे में, ये जो टूल है ये टूल के एक्यूरेसी बहुत ही हाई लेवल के एक्यूरेसी है जो आप 90 के अबव बोल सकते हो, 90 के अबव, क्योंकि मैं 100 बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि 100 बोल के बोलना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली 100% कोई गारंटी दे नहीं सकता है, इसलिए मैं बोलता हूं 90% के अबव एक्यूरेसी ये टूल के अंदर है और उसी में आपको 90% का अबव एक्यूरेसी का मतलब आप समझ रहे हो जब आप 10 ट्रेड लेंगे तो आपको 9 ट्रेड पर्टिकुलरली सक्सेसफुल होने वाला है और बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है। और जो एक ट्रेड होगा वो भी थोड़ा सा छोटा सा लॉस हो सकता है या उसमें आपको लॉस नहीं भी हो सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आप निकल सकते हो। तो ये फंक्शन है ये टूल का। तो पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं टूल के अंदर। टूल का नाम सबको पता है, सबने सुना होगा, टीपीएस प्राइम टूल। TPS प्राइम टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसको और मॉडिफिकेशन किया गया है हमारा तरफ से और इसमें बहुत सारे चीज को इनबिल्ट किया गया है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनिंग किया गया है। मतलब आप समझ रहे हो, आप देख सकते हो, आपका आंखों के सामने पूरा चीज है। इसमें टूल के अंदर है क्या चीज आपको पता है, जो आपको सेल ट्रेंड बताते हैं, कहां पर सेल करना है उसके बारे में, आपको बाई के लिए बताते हैं जो कहां पर बाई करना है और आपको आपका जो मेन ट्रेंड है ये आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी बताते हैं जो स्टॉप लॉस कहां पर रखना है और आपका टारगेट क्या होगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करता है। ये जो आपको लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये आपको इन्फॉर्म करता है टारगेट के बारे में, जो आपका टारगेट क्या होने वाला है। तो इतना सारा चीज आपको एक साथ इनबिल्ट है, ठीक है। और इसके साथ और एक इंडिकेटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो इसके साथ प्लॉट करने के बाद उसका भी मतलब जो एक्यूरेसी है उसका 4 गुना हो जाता है। जो एक्यूरेसी अभी मैं बता रहा हूं उसका 4 गुना हो सकता है जो मैं दूसरा और एक टूल इसके साथ इनबिल्ड किया हुआ है जिसको मैं बाद में बताऊंगा समझाऊंगा। पहले ये टूल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ये टूल में है क्या चीज और कैसे ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हो आपका आंखों के सामने पूरा चीज है, कोई अलग से है नहीं। तो एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। इसके ये जो टूल है, टूल के अंदर ये सब चीज आपको ट्रेंड का फाइंड करते हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है ये आपको ट्रेंड के बारे में बताता है जो अभी ट्रेंड कौन से जगह पे है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड में है और या चौपी मार्केट में है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर और दो आपको व्हाइट कलर का लाइन आपको दिखाई देगा ये टूल के अंदर। ये आपको चौपी मार्केट पकड़ने में बहुत ही आसानी तरीके से पता करके बताता है जब मार्केट में क्या हो सकता है। और ये जो लाइन है ये सिर्फ मार्केट का नहीं है, ये टारगेट के लिए भी हम लोग अप्लाई करते हैं जो हमारा टारगेट क्या हो सकता है
और हम लोग कहाँ पर टारगेट को हमारा टारगेट जब आ जाता है तब कहाँ पर हम लोग स्क्वायर अप कर सकते हैं, मार्केट से निकल सकते हैं। तो इतना सारा चीज एक साथ है, ठीक है। देखिए आज का ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, इंडेक्स में नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग ट्रेड करते हैं तो डायरेक्ट में फ्यूचर के ऊपर भी मैं ये इंडिकेटर को प्लॉट किया हूँ। और इसमें थोड़ा पिछले दिन का भी डेटा भी हम लोग चेक करेंगे, उसके अलावा बहुत सारा स्टॉक के बारे में स्टॉक का डेटा भी हम लोग चेक करेंगे। हर सेक्टर में एक एक स्टॉक मैंने चूज कर लेता हूँ, तो उसी स्टॉक के ऊपर हम लोग भी ट्रेड ये देखेंगे जो कैसा रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे पूरा। देखिए हमारा हम लोग ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर सेल ट्रेंड बोल के ये जो ऑप्शन है ये हम लोगों को दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर बाई ट्रेंड हम लोगों को दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पर जो ग्रीन है ये जो हमारा स्टॉप लॉस और मेन ट्रेंड है, ट्रेड लेने के बाद हमारा ये स्टॉप लॉस बन जाता है, ये हमारा एसएल बन जाता है। तो ये कौन सा ग्रीन है या रेड है, ये चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। और बीच में कुछ लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड से देखेंगे तो रेड कलर का दिख रहा है, मतलब सेल के लिए पूरे के पूरे रेड दिखना चाहिए और बाई के लिए पूरे के पूरे आपको ग्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। और बीच में एक ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आपको एक सपोर्ट का काम करता है और ये भी आपका सपोर्ट का काम करता है, ये ग्रीन लाइन, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये आपको रेजिस्टेंस का काम करता है और आपका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है और साथ में एसएल का भी काम करते हैं। तो इतना सारा चीज एक साथ इनबिल्ट है ये टूल के अंदर। देखिए हम लोगों को ट्रेड कहां पर लेना है, जैसे हमारा सेल आता है उसके बाद हमारा ये भी हमारा रेड हो जाता है, पूरे के पूरे ट्रेंड हमारा रेड पे आ जाता है, रेड सिग्नल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, ये देखिए ये ट्रेड लेने का हमारा इस ये लाइन के बिलो हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट हो जाता है ये और सेकंड टारगेट हो जाता है ये। तो हमारा क्या है, इस जगह पे लास्ट मोमेंट पे हमारा सेल ट्रेंड तो आया है, सेल ट्रेंड आने के बाद हम लोग सिर्फ एक ही टारगेट अचीव कर पाया हूं। अब देख सकते हो नीचे भी आया था लेकिन हमारा सेकंड टारगेट तक ये पहुंचा नहीं मार्केट, लेकिन आपको प्रॉफिट में रखा है। जहां से आप ट्रेड लिए हो, आप जहां से ट्रेड लिए हो, आपको जैसे ट्रेड मिला है आप प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं है, मार्केट खत्म हो गया लेकिन आपको लॉस नहीं होने दिया, ठीक है। ये आपको ये खासियत है ये इंडिकेटर का। अभी देखिए बाई के लिए क्या हुआ है, बाई के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इस जगह पे हमारा बाई ट्रेंड दिया है, मतलब हम लोग बाई करने के लिए बोल रहे हैं, और इसी जगह पे हमारा पूरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, बाई करने के लिए, पूरा फुल इंडिकेटर इनफॉर्म कंफर्म हो गया, हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया। हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड यहां तक हमारा सक्सेसफुल आ जाता है, क्योंकि ये हमारा पहला टारगेट हो रहा है। इस जगह पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट ये वाला लाइन, और फाइनल टारगेट हमारा ये ग्रीन वाला लाइन हमारा हो जाता है। तो हमारा कितना टारगेट अचीव हुआ इस ट्रेड में, देखिए एक टारगेट अचीव हुआ इस ट्रेड में, टोटल दो टारगेट अचीव हुआ, बट तीसरा टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। तो हमारा इतना प्रॉफिट तो बहुत होता है, मतलब आप लॉस में नहीं हो, आप लॉस में नहीं हो, ठीक है। अभी बैक में जाके देखता हूं बैक में क्या सिनेरियो है। अभी निफ्टी के ऊपर भी देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर में देखेंगे हम लोग। देखिए आपका पूरा आंखों के सामने पूरा चीज है, कोई अलग से मैं नुकाने वाला छुपाने वाला ऐसा फालतू बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और एक बात मैं बोल देता हूं, ये इंडिकेटर में लॉस तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर सेल का दिया, हमारा सिग्नल मिल चुका है ट्रेंड का, पूरा फुल सिग्नल क्या है हमारा नेगेटिव है, फुल सिग्नल नेगेटिव है, सेल के लिए हमारा इन्फॉर्म कर चुका है मार्केट, ठीक है। हम लोग जैसे सेल के लिए इन्फॉर्म करते हैं हम लोग ट्रेड लेते हैं, पहला टारगेट ये है अचीव हो गया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा ये था अचीव हो गया, मतलब इस दिन में हमारा क्या दो टारगेट दिया था, दोनों टारगेट अचीव हो चुका है। दोनों टारगेट जैसे अचीव होता है उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, जैसे इस जगह पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बोला, फिर इस जगह पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए बोला, फिर इस जगह पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए बोला। जैसे जैसे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट का हार भी बहुत ज्यादा होता रहता है। अब इस जगह पे कोई पर भी आप स्क्वायर अप कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो आपका जितना भी ट्रेड है पूरा सक्सेसफुल ट्रेड है। तो हम लोग पीछे और पीछे जाते हैं, पीछे जाके बैक में और देख लेते हैं, अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए हमारा बाई ट्रेंड दिया है, इस जगह पे बाई ट्रेंड दिया है,
और कंटिन्यू मार्केट दो दिन तीन दिन से बाई ट्रेंड में है, उसके ऊपर ही है मार्केट, लगातार 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 बाई ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से ये मुनाफा देता है। और एक बात बोलना चाहूंगा, ये इंडिकेटर जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आप चाहे सालों भर रखना चाहते हो कोई स्टॉक को, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है ये इंडिकेटर। आपको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक दो महीने के लिए आपको रखना है, या आप एक दो चार हफ्ते के लिए रखना है, तो वन डे टाइम फ्रेम में आप यूज कीजिए इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से मुनाफा आपको मिलेगा। वो भी मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ, अभी दिखा भी देता हूँ, एक बार दिखाना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। एक बार मैं दिखाता हूँ इसी, उसके बाद दूसरा स्टॉक के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे इसको इंडिकेटर को। देखिए वन डे चार्ट में मैंने लगा चुका हूं, वन डे चार्ट के ऊपर लगा चुका हूं, वन डे चार्ट में लगा हूं। जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं या शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, जो लोग डिलीवरी रखते हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए भी ये इंडिकेटर बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब जितना भी ट्रेड मिलेगा उतना ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे 10 ट्रेड लो चाहे 20 ट्रेड लो, 20 ट्रेड में आपको प्रॉफिट ये दिलवाएगा ये इंडिकेटर। बहुत ही अच्छा कमाल का इंडिकेटर है इसमें, हाँ। लेकिन 90% एक्यूरेसी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में भी बोल रहा हूँ, 90% के अभाव है, लेकिन उससे ज्यादा मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी इसी जगह से बाय ट्रेंड में चालू हुआ है कंटिन्यू। बहुत सारा लोगों ने बोल चुका है ऑलरेडी जी, सर मार्केट अभी गिरने वाला है, यहाँ पर गिरने वाला है, नहीं गिरा, क्योंकि इस जगह पे देखिए, ये जो इस जगह पे देखिए कंटिन्यू सपोर्ट लिया है इसने, ये टूल के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू, इसी जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पे आया है, आज बस सेल ट्रेंड के लिए आया है। हम लोग सेल के लिए, अभी मार्केट इतना दूर आता है, ये ग्रीन लाइन को टच करके मार्केट रिटर्न जाता है ना, बहुत ही तेज रिटर्न जाने वाला है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही खासियत है, और यहाँ से हमारा सेल ट्रेंड जैसे मिलता है तब जाके हम लोग सेल के लिए एंट्री कर सकते हैं, वन डे में भी, मतलब स्विंग ट्रेड में हम लोग, क्योंकि देखिए इतना प्रॉफिट तो आपको बहुत हो गया इस जगह पे, सेल ट्रेंड दिया है आपको, प्रॉफिट हो चुका है, इस जगह पे बाई में है, देखिए इस जगह पे बाई में है ऑलरेडी, ये कंटिन्यू आपको प्रॉफिट दिया है, कंटिन्यू प्रॉफिट दिया। आप इस जगह पे भी स्क्वायर अप करते तो आपको प्रॉफिट में ही हो, आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही कमाल का, जितना भी ट्रेड लेंगे आपका लॉन्ग टर्म के लिए और एक्यूरेसी बहुत ही हाई हो जाता है ये टूल के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा स्टॉक के ऊपर भी हम लोग ये करेंगे, चेक करेंगे निफ्टी के, अभी तो बैंक निफ्टी के ऊपर किया हूं, अभी निफ्टी के ऊपर भी एक बार एक झलक देख लेता हूं हम लोग निफ्टी के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, फ्यूचर के ऊपर हम लोग देखेंगे फ्यूचर के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे जो ये टूल में और दूसरे तरीका क्या है, और एक इसके साथ जो इनबिल्ट इंडिकेटर है उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बारे में छोटा सा डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये निफ्टी यहाँ से बाय ट्रेंड था, ठीक है, कंटिन्यू बाय ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट चौपी है। मार्केट क्यों चौपी है, आप देखो एक व्हाइट वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, और बीच में आपको ये यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस लाइन दिखाई, ये सपोर्ट लाइन दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन क्या है, आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो का पहले ही बता चुका हूँ, ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन और ये व्हाइट वाला लाइन के बीच में फंस चुका है। मतलब मार्केट एक रेंज माउंट के अंदर घूम रहा है, मॉर्निंग से आप जितने बार देख सकते हो उतने बार अप गया डाउन गया अप गया डाउन गया, लेकिन आप निकल नहीं पा रहा है। ये एक रेंड बाउंस फेज होता है, रेंड बाउंस फेज को पकड़ने के लिए इसी तरीके से हम लोग ये टूल आपको मदद करता है रेंज बाउंस फेज में, चाहे आपका लॉस ना हो जाए तो इसके वजह से ये टूल आपको हेल्प करता है। आप बाई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका लॉस नहीं होता। अब बाई ट्रेड सोचो, इस जगह पे आपने बाई ट्रेड लिया, मैं एक बार क्लीन करता हूं, देखिए इस जगह पे आपने बाई ट्रेड भी लेते, इस जगह पे बाई ट्रेड लेते तो फिर भी लास्ट मोमेंट तक आपको प्रॉफिट में था, हाँ डाउन तो गया था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था आपका, सपोर्ट ने आपको बचा लिया और इसको अपसाइड में भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, जितने बार सपोर्ट लेगा यहाँ पर देखिए एक छोटा सा था आपको ब्लिंक बनता जाएगा, एरो बनता जाएगा, एरो आपको दिखाई देगा, जितने बार सपोर्ट लेगा जितने बार रेजिस्टेंस लेगा ये उतने बार आपको एरो
दिखाई देगा ये इंडिकेटर में, जो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है मतलब मार्केट डाउन आने वाला है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट मार्केट अप जाने वाला है, लेकिन ये आपको ये नहीं बोलेगा भाई यहाँ से एंट्री कर लो। ठीक है, आपको एंट्री कैसे करना है, इसी जगह पे इसी एरो के जरिए आपको एंट्री करना है, तो ये एरो बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री लीजिए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जहां पर एरो बना है इस जगह पे देखिए एरो बना है, नेक एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, नेक ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पर येलो कैंडल मैंने लगा के रखा हूं, तो एक येलो कैंडल बना है, तो नेक्स्ट येलो कैंडल पे आप एंट्री लेते तो आपको प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट है, हर तरफ से आपको हेल्प करेगा ये इंडिकेटर, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में या कोई पर भी यूज करो, चाहे क्रिप्टो का, क्रिप्टो में भी आप यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स का भी मैं आपको दिखा दूंगा, फॉरेक्स का भी एक ट्रेड में आपको दिखा दूंगा कोई भी एक स्टॉक के ऊपर, फॉरेक्स में तो मैं नॉर्मली ट्रेड करता नहीं हूँ, तो उसके भी मैं दिखा दूंगा। देखिए अभी SBI बैंक का आज का दिन का बात कर रहा हूं मैं, SBI बैंक का क्या हुआ, SBI बैंक कल इसने क्या किया था, बाई ट्रेंड के लिए बोल चुका था, जो ट्रेंड अभी बाई हो चुका है मतलब आप हो चुका है, अभी इसमें आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो तुरंत मॉर्निंग में, जैसे मैंने इसका ट्रेड कॉल भी पे दे चुका था टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जैसे मॉर्निंग में इसने बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, पूरे का पूरे ग्रीन हो गया, इस जगह पे पूरे पूरे ग्रीन हो गया, तो इसी जगह पे एंट्री लो और इस जगह पे आराम से लास्ट मोमेंट तक टिके रहो और स्क्वायर अप कर लो। ठीक है, ये मार्केट से तो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर ही देगा आपको, ये बात तो आपको पता है। इस जगह पे देखिए सेल ट्रेंड दिया और आपको प्रॉफिट है। ठीक है, पिछले का डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पिछले का बैक डेटा भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको लिए अच्छा रहेगा। देखिए हमारा इस जगह पे बाई के लिए दिया है, हम लोग कंटिन्यू यहां तक प्रॉफिट में है, कोई भी ट्रेड में आपको लॉस नहीं होने वाला है, सीधी सीधी वहां से लॉस जीरो है। ठीक है, आपको 10 ट्रेड लेंगे तो आपको 9 ट्रेड सक्सेसफुल जाने वाला है, जो इसी इंडिकेटर के ऊपर काम नहीं कर पा रहा है उसको स्टॉक मार्केट में काम करने का हक ही नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में काम, मैं बोल रहा हूं, मैं पर्सनली बोल रहा हूं, इस इंडिकेटर के ऊपर जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है तो उसको स्टॉक मार्केट में रहने का जरूरत ही नहीं है, मैं इतना बोलूंगा। ठीक है, देखिए इस जगह पे सेल ट्रेंड दिया है, लेकिन आपका तो मैन जो है मैन ये है मैन तो आपको बोल रहा है कि आपको बाई में ही है, अभी सेल का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, सेल जब तक ना ऑप्शन मिलेगा तब तक आप कहां सेल करेंगे। ठीक है, तो ये फॉल सिग्नल है, आपका आंखों के सामने है आपको फॉल सिग्नल, ये पर्टिकुलरली आपको बता रहा है भाई यहाँ पर घुसना नहीं है, यहाँ पर घुसना नहीं है, क्यों घुसना नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका ट्रेंड ही नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, सेल ट्रेंड के लिए आपको बोल रहा है जो ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको सेल के लिए सिग्नल देगा तब ना, सेल करने के लिए बोलेगा तब ना करेंगे आप, सेल के लिए बोला ही नहीं है तो आप क्यों सेल करेंगे। ठीक, अभी मैं दूसरा और एक स्टॉक में दिखा देता हूं, ये बैंकिंग सेक्टर के बोल रहा हूं, ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करने वाला है, ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक के ऊपर बात करूंगा। देखिए ये स्टॉक ने क्या किया, इस जगह पे आपको बाई के लिए ट्रेंड दिया है और बाई ट्रेंड कंटिन्यू रहा, इस जगह पे आपको एक बार स्क्वायर अप करने के लिए इसने बोल दिया था, इस जगह पे निकल जाने के लिए, पिछले दिन आपको निकलने के लिए बोला था, फिर आज मॉर्निंग में आपको एंट्री करने के लिए बोला, इस जगह पे देखिए ये एंट्री पोजीशन है, एंट्री करने के लिए बोला और आपको कंटिन्यू प्रॉफिट में था, लास्ट मोमेंट पे आपको निकलने के लिए बोला और सेल ट्रेंड में घुस गया है, मतलब ट्रेंड भी चेंज हो चुका है और एंट्री पोजीशन भी चेंज हो चुका है, मतलब सेल के लिए आप एंट्री हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पर सेल का सिग्नल दे रहा है इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, पहले भी SBI बैंक वाले में मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, क्योंकि आपका मैन देखो मैन ट्रेंड जो मैन जो है ये है, मैन आपको क्या बोल रहा है भाई अभी बाई ट्रेंड में है, बाई ट्रेंड में है, ये पूरा बाई ट्रेंड में चल रहा है, बाई ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है, आपका सेल ट्रेंड आएगा बोल के पहले ये इन्फॉर्म करता है, सेल ट्रेंड नहीं बोल रहा है, बोल रहे यहाँ पर सेल नहीं करने के लिए बोल रहे, अब सेल ट्रेंड का मतलब ऐसा मत समझ जाइए इसी जगह पे सेल करने के लिए बोल रहे हैं, इसी जगह पे सेल नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे सेल आ सकता है यहाँ से, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है, लेकिन आपका ये ट्रेंड बुलिश है, आप यहाँ पर बाई ट्रेंड दोबारा मिल चुके हो, आप ये एंट्री करोगे बाई में, सेल में क्यों करेंगे भाई, मरने के लिए करेंगे, आप इसके हिसाब में करेंगे तो आपको बाई में करना है, आप खुद के हिसाब में करोगे तो आप सेल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये टोटली, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी आ जाता हूं, ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का था, अभी हिंडाल्को का बात कर रहा हूं, हिंडाल्को में क्या है,
सिनेरियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक एक करके सिनेरियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा धीरज रख के देखिए। देखिए इस जगह पे बाय ट्रेंड दिया, कंटिन्यू आपको प्रॉफिट है। यहाँ पर सेल करने के लिए बोला, वही बात आ गया फिर से। मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ आपका। यहाँ पर सेल करने के लिए कोई जगह पर ऑप्शन दिया है? कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया है क्या भाई, सेल ट्रेंड में आने वाला है, मतलब ट्रेंड अभी सेल के तरफ जाने वाला है, मतलब जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज का इन्फॉर्म कर रहा है, सेल मतलब सेल मत कर दो। सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर सेल करने के लिए इंडिकेटर भी आपको नहीं बोल रहे, सेल ट्रेंड के लिए बोल रहा है, जिस सेल ट्रेंड में जाने वाला है। जैसे यहाँ से बाय ट्रेंड है, बाय ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और इस जगह पे देखिए बाय ट्रेंड मतलब इस जगह पे बाय का सिग्नल भी आपको मिल चुका है, तो आप यहाँ पर आराम से बाय कर सकते हो। यहाँ पर सेल ट्रेंड, यहाँ से आपको सेल का सिग्नल भी मिल चुका है, तो आप आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। ये है खासियत ये टूल का, यहाँ पर बाय है तो आप बाय, यहाँ से बाय करो, आराम से बाय करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बिंदास आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से, ये स्टॉक के ऊपर बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बोल रहा हूँ। आपको लाइव ट्रेडिंग का वीडियो चाहिए तो लाइव ट्रेडिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, वहां पर भी जाके देख सकते हो, या हमारा आई बटन पे आपका उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप उसको वॉच कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग का इसी टूल के ऊपर, तो दोनों आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अभी आ गए टाटा स्टील, ये स्टील सेक्टर का है, देखिए टाटा स्टील का क्या बाय ट्रेंड है, अपने आराम से प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पर सेल है, यहाँ पर आपको देख सकते हो इस जगह पे आपको टारगेट आ चुका है, तो आप टारगेट लेके निकल जाओ। इस जगह पे देखिए बाय ट्रेंड है, आप बाय पे आराम से टिके रहो, आप प्रॉफिट बुक करते जाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, इतना ऐसा है आपको काम करना है। क्या करना है? स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ध्यान से नहीं सुना तो और एक बार सुन लीजिए रिपीट करके, मैंने क्या क्या पॉइंट बताया हूं। देखिए ये एशियन पेंट, कोई की बंदा मेरे को तो ऐसा भी मैसेज करता है, सर आप छोटा छोटा स्टॉक में क्यों बोलते हो, बड़ा स्टॉक में बताओ। चलो एशियन पेंट में बता रहा हूँ, मारुति में भी बताऊंगा, बड़ा स्टॉक में भी आपको बताऊंगा, मैं हर बार छोटा स्टॉक में क्यों बोलूं, मेरा भी कुछ ये है भाई, ट्रेडिशनल है, ठीक है। चलिए देखिए, आप ये कंटिन्यू बाय ट्रेंड में ही है, ये बाय में ही है, आपका आंखों सामने पूरा चीज है, ये पूरा बाय में है, पूरा बाय ट्रेंड में है। आपको ग्रीन दिख रहा है, रेड कोई जगह पे नहीं दिख रहा है भाई, आप बाय में ही रहेंगे, बाय में प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, हर दिन का प्रॉफिट रहेगा आपका, आपके हिसाब में प्रॉफिट बुक करो। अभी पीछे का डेटा भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसका बाय ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ था, इस जगह पे बाय ट्रेंड शुरू हुआ था, आपको बाय में ही रखा है पूरा, कंटिन्यू एकदम अभी तो कंटिन्यू है बाय पे, कंटिन्यू 5 दिन 6 दिन से बाय पे रखा है, अब हर दिन बाय पे प्रॉफिट है। क्या करोगे आप, बाय पे रहेंगे या सेल पे ठोकने के लिए जाएंगे? अपने हिसाब में सेल ठोकने के लिए जाएंगे, आप मरेंगे, आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। देखिए इस जगह पे सेल के लिए बोला है, लेकिन आपको यहाँ पर बाय के सिग्नल पे ही है, अभी सेल का ये नहीं किया है, एंट्री पोजिशन आपको नहीं दिया है। जब तक ना एंट्री पोजिशन मिले तब तक आप कहां से सेल करेंगे, आपको एंट्री पोजिशन मिलेगा तब ना सेल करेंगे, ठीक है। देखिए पीछे और जाके मैं तो आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर बाई का दिया है आपको, कंटिन्यू बाई में है। हाँ, यहां पर सेल ट्रेंड आपको इन्फॉर्म किया है, जब मार्केट जा सकता है तो आप इस जगह पे निकल जाओ, क्या करोगी, स्क्वायर अप करोगी, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरा एक स्टॉक में, देख लेता हूं केमिकल सेक्टर का टाटा केमिकल का क्या है। दिया बाप रे, ये तो धमाका कर दिया, इस जगह पे बाय ट्रेंड दिया, ओ क्या धमाका है, उसके बाद फिर आपको क्या दिया है, ऐसा चौका कौन देगा भाई। ये टूल के अंदर जो पावर है, कोई भी टूल के, आप चाहे MT4 हो, चाहे आपने लाखों रुपए के इंडिकेटर खरीद के रखे हो, या लाखों रुपए का आपने टूल खरीद के रखे हो, या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ये टूल के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज करके मुझे बताओ, एक वीडियो बना के बताओ मुझे भाई, वीडियो बना के मुझे भेजो, पर्सनली मुझे एक बार सेंड करो, मेल ID ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे को। आपको ऐसा लगता है भाई ये इंडिकेटर उसके मुकाबले में 1% भी एक्टिव नहीं है, तो मैं ये इंडिकेटर बनाना ही छोड़ दूंगा और आपको प्रोवाइड करना भी छोड़ दूंगा, मैं इतना ही बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड इतना बहुत था आज के लिए, तो और एक चीज मैं बता रहा हूं, इसका और एक फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं। ये टूल जो है, ये टूल का एक एक्स्ट्रा नया फंक्शन,
जो मैंने ऐड किया हूं अभी अभी फिलहाल मैंने ऐड किया हूं, चलिए मैं दोबारा ऐड कर लेता हूं, कोई बात नहीं दोबारा ऐड कर लेता हूं। सीपीएस सपोर्ट टूल ये है, ये टूल का नाम, ठीक है, ये सिंपल सा एक टूल है। इसको मैं एक बार आपको सामने मैं दिखा देता हूं, इसका चेंज करना है 80। आप बोलोगे सर ये आरएसआई है, हाँ आरएसआई है, आरएसआई का सपोर्ट हम लोग लेते हैं और इसको करना है 14, ठीक है। अभी इधर जाना है, इधर जाके कलर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, इसको मैं ब्लैक है, ब्लैक के हिसाब में मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको मैं व्हाइट कर देता हूं पूरा, थोड़ा सा भाई ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखोगी तो आपका ही भलाई है, अब नहीं देखोगी तो आप जाने भगवान क्या करे, आपका आपका कौन भला करे भगवान ही जाने, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा इंडिकेटर, इसको कर देता हूं रेड, इसको कर देता हूं ब्राउन, और इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा चेंजेस कर देता हूं, ये हो गया कहानी, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक धमाका देखिए, ये टूल के ऊपर भी एक धमाका देख रहा हूं, ये टीपीएस प्राइम टूल के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पर बाई ट्रेंड ऑलरेडी देखो, आपको यहाँ पर बाई ट्रेंड दे चुका है, ये टूल बाई ट्रेंड दे चुका है। अबे आपको समझ में नहीं आ रहा है, सोचो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कहां से एंट्री करो, ये ऑलरेडी एंट्री पॉइंट भी बता रहा है प्राइम टूल, फिर भी आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे एंट्री करेंगे। उसके लिए भी तरीका है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल आपको मिले जैसे तो आप एंट्री कर लो, इस जगह पे एंट्री करो, इस जगह पे शॉर्ट टर्म के लिए निकल जाओ, इस जगह पे एंट्री करो, देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, आप शॉर्ट टर्म के लिए इस जगह पे निकल जाओ, ठीक है। देखिए इस जगह पे भी छोटा सा ये प्रॉफिट देगा, जब तक आपको प्रॉफिट देगा छोटा छोटा प्रॉफिट देते ही जाएगा, जितने बार चाहे एंट्री करो, जितने बार चाहे आप ये करो। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, आपका प्राइम टूल का ट्रेंड बुलिश है, आप कभी भी इसमें एंट्री मत कीजिएगा, ये रेड सिग्नल पे एंट्री मत कीजिएगा, ये डाउन ट्रेंड में चलेगा तो ही आप रेड सिग्नल पे एंट्री करेंगे इसी टूल के हिसाब में, इसमें एंट्री मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको यहाँ पर बुलिश मिला है, जितने बार बुलिश मिले उतने बार आपको कहाँ इतना दूर आपको प्रॉफिट लेना है, कहाँ से यहाँ पर एंट्री करना है, ये छोटा छोटा प्रॉफिट है, ये जितने बार आप एंट्री देगा उतने बार आपको प्रॉफिट देगा, इस जगह पे एंट्री दिया है उतने बार आपको प्रॉफिट दिया है, लास्ट तक आपको प्रॉफिट है तो आपको पहले ही निकलने के लिए बोल देगा, आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट जहां से आप बाई किए हो या सेल किए हो उसके पहले ही जैसे आएगा ना उसके पहले ही ये इन्फॉर्म करके आपको बता देगा भाई यहां से निकल जाना है आपको, ठीक है। ये टूल तो ये टूल भी मैं प्राइम टूल के साथ एक्स्ट्रा में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, तो इसमें और ज्यादा एक्यूरेसी हाई हो जाता है, जो बिगिनर है बिगिनर के लिए बोलो, प्रो मेंबर है प्रो मेंबर के लिए बोलो, जो रिटेलर है रिटेलर के लिए बोलो, चाहे वो कितना भी लाखों रुपए लगा रहे हैं कि चाहे कुछ लगा रहे उसके लिए भी बोलो, ये टूल बहुत ही कमाल का टूल है अभी तक के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। वीडियो लास्ट में फ्रेंड एक ही बात बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और फ्रेंड और दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा टूल आपको मिलने वाला नहीं है, कोई से भी मिलने वाला नहीं है। और ये टूल के बारे में आपको और जानकारी चाहिए
तो हमारा वेबसाइट www.tradingpublicschool.co.in में विजिट कीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। और कुछ चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, फ्री टेलीग्राम में पूरा डिटेल्स के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।